बच्चों, मेरा नाम है छाया प्रतिभा खिलवाड़। आप लोगों की बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करती हूं आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, आज के सेशन में आज हम क्या करने वाले हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आज इसके आगे का कुछ बताने वाली है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ब्लूप्रिंट के बारे में समझा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में समझा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में समझा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में भी हमने कुछ के पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। आज भी हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ही बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ज्यादातर हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि आपको, क्योंकि हमको पता है कि हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और कक्षा 12वीं में बिना डायग्राम के भाई साहब कुछ ना होने वाला। तो अब मेरे साथ आप लोग डायग्राम को आप बनाते जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से किसी भी डायग्राम को देखो, ओरिजिनल चीजें अलग होती है ना, कोई भी हम ओरिजिनल, हमारे शरीर को अगर हम ओरिजिनल देखेंगे तो वो अलग दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसको डायग्राम से बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा, सीधी सीधी बात है ना। तो हमको अगर हम कुछ चीजें विजुअलाइज कर ले, देख ले, तो उसको बनाने में क्या होता है, हमको आसानी हो जाता है। तो आज का सेशन हमारा कुछ इसी तरीके से मिशन 2023 में आपका फिर से छाया प्रतिभा खिलवाड़ की तरफ से आपका स्वागत होने वाला है। तो भाई आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले मेरी बातों को ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा मिशन 2023 स्टार्ट हो गया है, तैयारी जीत की, छत्तीसगढ़ के बोर्ड के विद्यार्थियों तैयार हो जाओ मेरे साथ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, हमारा वही यूनिट फर्स्ट का 3 अंक का जो प्रश्न था उसी की हम बात करेंगे, क्योंकि अब मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, सीधे हम अपने टॉपिक पर चलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक समझाना ज्यादा आप लोगों को जरूरी हो गया, मेरे ख्याल से आप लोग भी लग रहा होगा कि मैम प्लीज करके टॉपिक ही स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग भी वही बोल रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आप लोग फिर से 3 अंक के प्रश्नों पर आ जाइए और ये श्योर है, डन है, यहां से क्वेश्चन मैं एकदम लिखित रूप से भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहां से श्योर है कि एक ना एक प्रश्न जो है उठाने वाला है, मेरी एक साइन ले लो भाई साहब आप लोग, ठीक है। क्यों उठाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है उन्होंने अपना सैंपल पेपर भी एक तैयार कर दिया, जिसमें उन्होंने पूरे क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर दी है, ठीक है। तो नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके YouTube में, यहां पर मेरे वाला YouTube जो है उसमें अभिप्सा एप्लीकेशन में डाल भी दूंगी और YouTube चैनल में भी डाल दूंगी। तो आप पहले मुझे कमेंट करेंगे कि आपको पूरा सैंपल पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन है, अब हम पूरे क्वेश्चन को तैयार करने वाले हैं। देखिए पूरा मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मैं डिटेल बताने लग गई तो पूरे चैप्टर को मेरे को शुरू से लेकर आखिरी तक बताना पड़ जाएगा, और पूरा अगर देखना तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, पूरे डिटेल वहां पर उपलब्ध हो गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम 3 अंकों वाले प्रश्नों के ऊपर, जो कि फर्स्ट वही हमारा जनन चैप्टर पर ही चलने वाला है, पूरा चारों ही की चारों कैसा है, जनन से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई, हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप क्वेश्चन को भी देख लेना, अनसॉल्व भी उठा के देखना, पुराने जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन वो भी दिखाई देखना। अब वहां पर आपको ये वाला जो क्वेश्चन है दिखाई दे देगा, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये आया हुआ है भाई साहब, ये आ चुका है, यानी कि छत्तीसगढ़ 2020 में सेट बी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 20 में ये क्वेश्चन आया है तो चांसेस है, 21-22 में नहीं आया तो 23 में आने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे आप, प्रश्न पूछा है एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट एक साफ सुथरा आपको डायग्राम बनाना है और उसके नाम को अंकित करना है। यदि आप ये पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा भाई, पुष्प की संरचना पढ़ा हुआ है, ठीक है। और पुष्प की संरचना में क्या होता है, एक एंड्रोशियम भाग होता है, एक गायनोशियम भाग होता है, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि जो बीजांड है, बीजांड जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मादा युग्मक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं ना, मादा युग्मकोद्भिद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम ये इसी को ही हम कहेंगे, क्योंकि अब बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक जो है वो बन जाता है, मतलब यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनेगा, जिसको हम मादा युग्मक कहते हैं। तो यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ पूछा है बेटा, क्या पूछा,
डायग्राम पूछा है भाई साहब, तो डायग्राम ही बनाना है आपको, उसके आगे कथा नहीं लिखनी है। अगर कथा पूछेगा तो वहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, पर इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अगर यहीं पर मैं लिख दूं बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए समझाइए, तो वो कितने नंबर का बन जाएगा बेटा? 5 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या पूछा? सिर्फ चित्र बनाना है, तो हम चित्र बना देंगे, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन एक पूछा है क्या? एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड के लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है भाई आपका क्या है? एक आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र है, करेक्ट है यहाँ पर। तो हमको पता है आवृत्त बीजी बीजांड मतलब मादा युग्मकोद्भिद है। ये क्या है भाई? मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद इसी को कहते हैं ना, जिसपे क्या बनता है, इसी में है ना मादा युग्मक का निर्माण होता है। सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? यस एंड नॉट, यस या नॉट, आप बताओ भाई, आप पढ़े हो हाँ या नहीं, यस नो, आप कमेंट करके लिखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद में मादा युग्मक होता है, तो ये पहली अवस्था है ना, बीजांड में मादा युग्मक का निर्माण होता है। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत जिसको कहते हैं, ठीक है, ये क्या है आपका? बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत है, ठीक है। क्योंकि ये देखो बीजांड वृंत, ये बीजांड वृंत है, स्टॉक है जो कि अंडाशय से जुड़ा हुआ है, ओवरी जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। फिर आगे चल के देखिए, यहां पर बीजांड वृंत के बाद इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम कहते हैं, ये क्या आपका? हाइलम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड क्या है यहां पर देखिए, यहां पर आपको दो आवरण दिखाई दे रहा होगा, एक बाहर का लेयर ये वाला है ना, ये वाला, और एक जो दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दो स्ट्रक्चर पे डायग्राम भी बना के आपको दिखा देती हूँ कैसे बना हुआ है, ठीक है। और इसी में बीजांड वृत्त हो गया, इसको हम बना के बताए तो ज्यादा मजा आएगा नहीं? चलिए इसको हम थोड़ा सा यहां पर बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलो लास्ट पेज ले ली हूं एकदम से, चलो यहां पर हम बना के देखते हैं इसका डायग्राम कुछ किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है हमारा इस तरीके से, सबसे पहले हम बना दिए हैं क्या? एक बीजांड की संरचना, ठीक है। अब इस बीजांड की संरचना में दो लेयर होता है, वो भी हमको पता है, एक जो होता है इनर लेयर है ना, और एक क्या होता है? आउटर लेयर होता है। इसको थोड़ा सा रंग बिरंगा हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पेन है, तो हम तो पूरा से स्टार्ट करने वाले हैं। चाहो तो आप ऐसा बना सकते हो, चाहो तो आप वैसा बना सकते हो, दोनों ही स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करेंगे क्या इसके अंदर क्या क्या चीज है जी? इसके अंदर है आपका न्यूसिलस, अंदर में बना देते हैं भाई, कलर अच्छा सा ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमने बना दिया बीजांड काय, क्या बन गया? बीजांड काय बन गया। और बीजांड काय में क्या है? इस बीजांड काय को अगर मैं ऐसा ना बनाकर सिर्फ इतना करूंगी तो भी ओके है। चलो यहां पर हमने क्या बनाया? बीजांड काय, न्यूसिलस हो गया। और न्यूसिलस में हमको पता है ये आपका पूरा बीजांड क्या है? काय है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है? ये हमारा बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। और एम्ब्रियो सैक अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? एक जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना दिया क्या? सहायक कोशिका, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया? सहायक कोशिका, ठीक है। अब यहां पर आते हैं भाई, अब यहां पर हमारा क्या है? प्रतिमुख कोशिका हमने यहां पर बना दिया, ये सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम अंड कोशिका कहां पर है? तो अंड कोशिका कहीं और नहीं गया है, यहीं पर है, यहीं पर है, रुके रहो रुके रहो। ये हो गया हमारा अंड कोशिका बन गया, ठीक है। और हम बना देते हैं क्या? द्वितीयक ध्रुव। अब द्वितीयक ध्रुव कहां पर रहेगा भाई साहब? बीच में रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बना देते हैं भाई द्वितीयक ध्रुव को भी, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें जो दिखाई दे रही है, इसको हमने क्या कहा था? बीजांड वृंत। इसको हमने क्या कहा? बीजांड वृंत
कह दिया था, ठीक है, बीजाण वृत्त हो गया, क्या दिक्कत है? तो है ठीक। अब इसी में ये जो अंदर का जो भाग होता है, जो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था वहां पर, इस तरह से यही क्या था, ये था आपका हाइलम था, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, इसको हमने क्या कहा, हाइलम इसको कहते हैं, ठीक है। देन अब आता है आपका ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहते हैं। जो पूछा वो लिख दो भाई, डायग्राम पूछा नामांकित कर दो, खत्म करो, ठीक है। ये बीजांड वृंत हो गया। उसके बाद ये बीजांड वृंत का अपोजिट साइड क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस पूरे ये बीजांड वृंत है, इसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या कहलाएगा, इसको हम पूरे को कह देते हैं क्या, निभाग कहते हैं। निभाग यानी कि चलाजा, ठीक है, निभाग साइड कहते हैं ये बीजांड वृंत, और वो क्या है, निभाग है। तो बीजांड वृंत के पास आप देखोगे, बीजांड वृंत के अंदर क्या है, बीजांड वृंत के अंदर न्यूसिलस है, यानी कि बीजांड काय होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बीजांड बीजांड काय है, ठीक है। और बीजांड काय के अंदर आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश के अंदर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, भ्रूण कोश के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर बना देते हैं हम अपोजिट करके, अंड कोशिका, यही तो है ना मादा युग्मक, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका। अगर बगल में कौन सी कोशिका दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही होगी क्या, सहायक कोशिका, ठीक है। ये क्या है आपका, देखिए यहां पर लिख देते हैं, सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका। देखिए डायग्राम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम आप जब पेपर में बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आ जाता है आपका, ठीक है। मैं चूंकि अभी फटाफट बता रही हूँ, फटाफट हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आपको याद रखना है, निभाग हो गया, बीजांड वृंत हो गया, सहायक कोशिका, बीजांड द्वार आपका, इसे कहते हैं हम क्या, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये तीनों कोशिका को हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहते हैं क्या, इसे हम एक साथ कह देते हैं क्या, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। तो इतना चीज आपको पेपर में लिखना है, एक डायग्राम बनाओगे और बढ़िया सा मस्त से सजा के उसका नाम लिखोगे। देखो सजाने का मतलब ये है, स्पष्ट नाम की बात हो रही है, देखो स्पष्ट नाम लिखोगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, कहीं नहीं कटेगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो आपका आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि पेपर में क्या पूछा है, लिखा बस है, डायग्राम बना है तो आप डायग्राम बनाओगे, अगर उसको बोलेगा एक्सप्लेन करो तो इसी को आप एक्सप्लेन भी कर दोगे, बस इतना ही करके आपको खत्म करना है, ठीक है। अब मेरे को आप बताओगे क्या मैं इसको 5 अंक के क्वेश्चन में फिर से एक्सप्लेन करूं क्या, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताने वाले हो, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा डिटेल बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ क्या कहा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के आंसर इतने ही आने वाले हैं और इतना ही लिखना है। अब इसको 5 मार्क्स में चाहिए तो मुझे वहां पर बताइए कि मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा उल्व वेधन, ठीक है, उल्व वेधन ये क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि उल्व वेधन या एमनियोसेंटेसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा है, यस या नो, पढ़ा है ना, तो आप मुझे बताओ एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, मुझे कमेंट में आंसर लिख के दे दो भाई, ठीक है, छोटा सा लिखो, शॉर्ट में लिखो, अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर लिखोगे मेरे साथ, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या लिखना है ये बात सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखते जाइए, क्वेश्चन ये लिखा है
कि उल्व भेदन या एमनियोसेंटेसिस जो है एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है भाई, यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये ऐसी घातक है, ये मतलब हानिकारक प्रक्रिया है। तो जो हमारे देश में निषेधित, चूंकि हमको पता है ये हमारे देश में क्या हो गया है, बंद हो चुका है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए, ये प्रश्न पूछा है तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई साहब ये एमनियोसेंटेसिस तो हमने पढ़ा लग रहा है, क्या था उसमें बताइए, क्योंकि यहाँ पर एक बेबी का आप अगर डायग्राम देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि ये माता का क्या है, गर्भ है, और गर्भ में ये क्या है, भ्रूण है, और भ्रूण के गुणसूत्रीय असमानता का पता लगाया जाता है कि उसमें भाई हो सकता है ना कि इस भ्रूण में कोई क्रोमोसोमल या कोई अनुवांशिक कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कि उसकी असमानता का पता लगाया जाता है, या फिर क्रोमोसोम्स की अधिकता या कमी का पता लगाया जाता हो सकता है ना कि इसके भ्रूण में एक हमारे में टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, हमारे में 46 होती है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जांच इसलिए हो रहा है कि मान लो जाए इस गुणसूत्री संख्या में अधिकता या कमी तो नहीं है, या इसकी संरचना में कोई मतलब एक अलग सा असमानता तो नहीं दिखाई दे रहा, तो इसीलिए ये भ्रूण की अनुवांशिक स्थिति की जांच करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे जो देश के कुछ ऐसे भी डॉक्टर निकल गए जो बदमाश हो गए, बदमाश कैसे, मतलब देखो हमने तो इसका प्रयोग किया था किसके लिए, अनुवांशिक असमानता का पता लगाने के लिए, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर कुछ डॉक्टर क्या करते थे कि भ्रूण को पता लगा लेते थे, भाई कोई क्रोमोसोम को निकालोगे तो कोई लड़का है या लड़की ये तो पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्र की बात हो रही है, क्योंकि और पहले के टाइम में क्या होता था हमको अच्छे से पता है, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे कि भाई लड़की होगा तो आप उसको मार दो, लड़का है तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। तो ये जो दिमाग में लोगों की जो छोटी सोच बनी हुई है, और अभी भी लोगों की कुछ ऐसी सोच, मैंने क्योंकि बहुत से जगह जब मैं गाँव एरिया में जाती हूँ तो वहां पर मैं अभी भी देखती हूँ कि भाई पांच पांच लड़कियां पैदा हुई, छह छह लड़कियां पैदा हुई, सात सात लड़कियां पैदा हुई, उसके बाद एक लड़के की अभी भी ख्वाहिश वहां बनी हुई है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लड़का वंश बढ़ाएगा, ये दिमाग में बैठा है। लेकिन मेरे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना दिमाग खोल कर रखोगे कि आपको ये नहीं करना, आपको एक या दो बेबी रखना, इससे आगे नहीं रखना, क्योंकि उसी को तो अच्छी शिक्षा दोगे ना, वही तो आपका कलेक्टर, डॉक्टर, आईपीएस अधिकारी, वही तो सब बनने वाला है। तो आप अपने दिमाग में रख लो कि आपको ये काम नहीं करना, ठीक है। तो गुणसूत्र का पता लगाकर लड़का है या लड़की, इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। तो ये दुरुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ मुझे, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही कैसे है, एक बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये था एमनियोसेंटेसिस, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु की गुणसूत्री असमानता का पता लगाया जाता था, ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग काफी हो रहा था, इसलिए इसको निषेध कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या जांच करते थे, इसमें क्या करते थे, ये जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है, तो शिशु एक एमनियोटिक फ्लूइड में बना, देख रहे हो ना आप लोग, ये क्या है, ये है भाई बेचारा बच्चा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है भाई साहब, उदास बैठा है, ठीक है। तो उदास है तो इसको हम क्या कर दें, स्माइलिंग कर दें, तो हम क्या करेंगे, इसको एक जांच करने वाले हैं, कैसे भाई, देखो ये बच्चा कहाँ है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में बंधा हुआ है, देखो ये जो बंधा हुआ है ना, ये क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो एमनियोटिक फ्लूइड में इस बच्चे की, इस भ्रूण की कुछ जो है कोशिका जो है इस एमनियोटिक फ्लूइड में, यानी कि एमनियोटिक द्रव में आ जाता है, ठीक है, इस भ्रूण की कुछ जो कोशिका है वो इस एमनियोटिक, इसको बोलते हैं क्या, एमनी
एमनियोटिक द्रव कहते हैं और इस एमनियोटिक द्रव में इस बच्चे की कुछ कोशिकाएं हैं। तो हम कोशिका को निकाल कर बाहर में इसका परीक्षण करते हैं और लड़का है या लड़की उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया होगा क्यों इसे निषेध कर दिया गया, क्यों ये घातक लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है। तो ये आप अपने मन से भी इसको अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए भाई, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो क्या लिखा है, ग्राफियन पुटक यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का सिर्फ और सिर्फ नामांकित चित्र बताइए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आप लोगों ने कहां पढ़ा है, मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मेरे बोलने से पहले वहां पर कमेंट करके बता देना भाई कि ये हमने किस में पढ़ा हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे आप लोग किस में पढ़ेंगे, आप तो पहले तो कमेंट करेंगे, बाद में यहां पर बता देती हूँ कि ये हम किस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप अब देखते जाइए कि ग्राफियन पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम कैसे बना हुआ है। तो ज्यादा कुछ इसमें मशक्कत करने की इसमें जरूरत नहीं है, आप बना दोगे क्या, इसका सबसे पहले नाम को लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आप कैसे बनाओगे वो तो आपको दिख ही रहा है कैसा है, कुछ भी नहीं है। ठीक, तो यहां पर देखिए ये है आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बोलिए तो याद आ ही गया होगा आप लोगों को कि यहां पर क्या पाया जाता है, ये है आपका अंदर का जो भाग है इसको हम कहते हैं ऊसाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊसाइट कहते हैं। अब ऊसाइट बोली तो इतना तो समझ गया होगे कि हमने कहां पढ़ा है बच्चों, इसको हमने कहां पढ़ा, अंडाशय में पढ़ा था, याद है ना कि नहीं है। वही फॉलिकल बहुत सारे जिसमें एक ऊसाइट था है ना, प्राइमरी ऊसाइट बना था, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, देन आपके लास्ट में ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना। तो अंडाशय का पूरा मैं बताने वाली हूं आगे के लेक्चर में, जब हम पांच जो अंक वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं तब मैं बताने वाली हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है भाई, ये हमने क्या पढ़ा, ऊसाइट। ठीक है, अब ऊसाइट है मतलब समझ के है ना, आगे चलिए चलिए, तो ऊसाइट तो हमने देख लिया, अब बताओ ग्राफियन फॉलिकल जो है ऊसाइट मैंने बता दिया, अब बाहर का लेयर क्या कहलाता है, बाह्य, इसे हम क्या कहते हैं, बाहर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं बाह्य थीका कहते हैं। क्लियर है, अंदर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अंतः थीका कहा, बाह्य थीका और अंतः थीका, अंदर का थीका। ठीक है, अंतः थीका कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपको पिंक वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम कहते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। फिर आता है आपका क्या, ये आप अगर देखोगे तो इसे हम कहते हैं ग्रैन्यूलोसा। ठीक है, ये जो बीच का दिख रहा है पिंक कलर का, इसको हम कहते हैं क्या, ग्रैन्यूलोसा कोशिका कहते हैं, ग्रैन्यूलोसा सेल कहा जाता है, ग्रैन्यूलोसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैन्यूलोसा कोशिका हो गया, ग्रैन्यूलोसा सेल कह सकते हैं, इसको कोरोना रेडिएटा है, और इसके अंदर में जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं क्या, जोना पेल्यूसीडा कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जोना, इधर बना देती हूं, जोना पेल्यूसीडा कहा ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो खाली जो पार्ट दिख रहा है बेटा इसको हम कहते हैं एंट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एंट्रम कहते हैं। तो अब मुझे याद आ गया है, ठीक है, क्या याद आ गया भाई, आप लोग भी याद करो कि हमने क्या पढ़ा, ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय में जब मैच्योर अंडाणु बनता है उसके बाद बनने के बाद तो लास्ट मैच्योर स्थिति क्या होती है, ग्राफियन फॉलिकल की होती है। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसी में तो यहां पर ऊसाइट रहता है जिसको हम कैसे क्या कहते हैं, द्वितीयक ऊसाइट कहते हैं, और द्वितीयक ऊसाइट ही क्या है, मैच्योर अंडाणु होता है, इसी को तो हम कहते हैं ना मैच्योर अंडाणु कहते हैं। और मैच्योर जो अंडाणु होता है वही क्या है, वही तो अंडाणु है जो स्पर्म के साथ, शुक्राणु के साथ निषेचन करता है,
फर्टिलाइज होता है, तब जा करके एक जायगोट का, एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। हमने पढ़ा हुआ है ये चीजें, आप लोग पढ़े हो कि नहीं ये मेरे साथ बताते जाओगे। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप मुझे पहले कमेंट करेंगे, तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में कर रही हूं कि आपको पेपर के लिए कितना आपकी तैयारी हुई है वो आप चेक करते जाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर फटाफट देखोगे, अगर ये नहीं पढ़े टॉपिक तो फटाफट से डायग्राम अपनी कॉपी में बनाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपका बन चुका है। चलिए भाई, नेक्स्ट जो आता है, मानव शुक्राणु का सक्षम नामांकित चित्र पूछा है। आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो मॉडल पेपर है वहां से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सतर्क हो जाएं कि वो अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड पूछा है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है, मानव शुक्राणु का सक्ष नामांकित चित्र बनाइए। तो अब लग रहा होगा कि भाई ऐसा हम पेपर में बना दे क्या, क्योंकि ये आपको पेपर में नहीं बनाना, लेकिन 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 आपको याद रखना है ये जो है शुक्राणु का डायग्राम है, शुक्राणु कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और ऐसे ही वो मूवमेंट करते रहते हैं। आप सोचो होगे कि मूवमेंट क्यों करता है शुक्राणु, भाई क्या खास बात है इसमें कि जो चल के जाता है, लेकिन अंडाणु तो क्या होता है भाई, कमेंट करो क्या होता है, अचल होता है ना। तो याद रखेंगे इस चीज को कि शुक्राणु कैसा होता है, शुक्राणु तो चल होता है, गति कर सकता है, लेकिन अंडाणु गति नहीं करता है। ध्यान देंगे, स्पंज जो होता है शुक्राणु, इसको हम कहते हैं क्या, नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नर युग्मक कहते हैं। और नर युग्मक है तो ये कैसे होते हैं, गतिमान होते हैं, चल सकते हैं। चल का मतलब ये नहीं कि भाई पैदल पैदल चल के जा रहा है, नहीं, गति का मतलब ये है कि इसके पास ऊर्जा है और ऊर्जा के माध्यम से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ये क्या करेगा, गति करते चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते जाइए। अब शुक्राणु नर युग्मक है तो यहां पर हम सीधी सीधी बात है, यहां अंडाणु की तो बात होगी ना, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, अंडाणु की। तो अंडाणु हमारा क्या है, मादा युग्मक है, ठीक है, क्या है हमारा, मादा युग्मक है। और नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनते हैं, जायगोट यानी कि युग्मनज बनते हैं। याद है कि नहीं याद है, आप लोग याद करो, आपने सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आपके पास समय कम है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है आप लोगों के पास। तो फटाफट फटाफट आप लोग मेरे साथ देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे और रिमेंबर करोगे, मतलब याद करते जाओगे किसी चीज को, ठीक है। तो चलो भाई, प्रश्न पूछा मानव शुक्राणु का सक्ष नामांकित चित्र, तो ये है एक मानव शुक्राणु की संरचना है, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, मानव शुक्राणु में आप देख रहे हो क्या, तीन भाग इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मनुष्य का जो शुक्राणु होता है तीन मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं सिर यानी कि हेड है, ये इसको लिख देती हूं भाई, ये सिर है आपका, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका मध्य भाग है, मध्य भाग, ठीक है। और तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं क्या, पूंछ, ठीक है, ये क्या आपका, पूंछ है। यानी कि मनुष्य का शुक्राणु तीन भागों में डिवाइडेड होता है, एक है सिर, एक है मध्य भाग और तीसरा है पूंछ। अब बात करो क्या, एक जो आता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिर में क्या चीज होता है, इसी मनुष्य के सिर में पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस होता है, अर्थात केंद्रक होता है, जो कि कैसा होता है, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों कह रहे हो मैम, तो हैप्लॉइड इसलिए बेटा क्योंकि हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो हैप्लॉइड आपस में मिलेंगे तब क्या बनेंगे, डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो इसके पास एन युग्मक है, यानी कि एन है, हैप्लॉइड है, अगुणित केंद्रक है, तभी तो जाके मादा युग्मक के साथ फ्यूज होगा ना, तब तो 2n बनेगा, तभी तो न्यू बेबी देगा ना। तो चलो भाई, ये हो गया केंद्रक हो गया, इसके अपर ऊपर वाला जो भाग होता है यहां पर पाया जाता है एक्रोसोम। क्या होता है यहां पर, एक्रोसोम पाया जाता है। इसका पूरा जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। यानी कि जो आउटर लेयर होता है पूरा, है ना, हेड से लेकर पूंछ तक, लास्ट को छोड़ दूं तो, ठीक है। अब ये जो लास्ट में छोड़ दी हूं वहां पर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता,
सिर्फ यहीं तक मतलब लास्ट को छोड़ दे तो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर का अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो देखते जाइए कि अंदर के स्ट्रक्चर में क्या चीज होता है, अंदर में पाया जाता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस तरीके से क्या होता है, अरेंज होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है, ये है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर अगर पाया जाता है तो आप यहां पर लिख दो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई, यही तो ऊर्जा देगा ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन यानी कि एटीपी ऊर्जा का पावर हाउस, इसी को तो कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या दे रहा है, एटीपी ऊर्जा दे रहा है, जिसके माध्यम से इसके पास एनर्जी आ गई और ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, गति कर देगा। तो आपको इतने नाम आपको लिखने पड़ने वाले हैं। यहां पर होता है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, डिस्टल सेंट्रीओल कहलाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल सेंट्रीओल कहते हैं, ठीक है, ये आपका पूछ। तो इतनी चीजों को आपको मेंशन करना है आपके पेपर में, ठीक है, तो इतना चीज पूछा जाता है, इतनी चीज के बारे में आप लिखोगे, ठीक। तो ये है शुक्राणु की संरचना के बारे में। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन एक पूछा है, देखिए बहुभ्रूणता के क्या कारण हो सकते हैं। तो बहुभ्रूणता क्या है ये मैंने पहले वीडियो बताया है, तो अब इसके हम क्या देखने वाले हैं, हम इसके कारण को समझने वाले हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो भाई इसमें क्या कारण है, पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, तो भ्रूण में एक से अधिक यदि अंडों का विकास हो गया या निषेचन हो गया तो क्या होगा, बहुभ्रूणता का कारण हो जाता है। मतलब एक बीज के अंदर बहुत सारे जो भ्रूण बनते हैं वो क्यों बनते हैं, कारण ये है क्योंकि भाई अधिक अंडे होंगे तो निषेचन भी ज्यादा होगा, भाई इतने सारे अंडों का निषेचन अगर हो गया तो बहुत सारे भ्रूण बनेंगे। तो ये कारण होता है कि भ्रूण में एक से अधिक अंडों का विकास और उसका फर्टिलाइजेशन यानी कि उसका निषेचन, ये आप अपने कॉपी में नोट करके रखने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं बुक देखूं तो मुझे नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, तो इसको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का विकास होना, मतलब सहायक कोशिका मतलब समझ के ना, अगल बगल वाली कोशिका, यदि ये बीजांड है तो अगल बगल वाली जो कोशिका, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सहायक कोशिका कहते हैं, और ऊपर वाली तीन कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका, नीचे सहायक कोशिका ऊपर प्रतिमुख कोशिका होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, भाई ये भी कारण है। अभी तक हमने सहायता की बात की, सहायक कोशिका की बात की, प्रतिमुख कोशिका की बात की, अभी तक हमने कभी नहीं कहा था कि इससे भी क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है, लेकिन जब बहुभ्रूणता होता है तो इसका एक ये भी कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, बीजांड में बहुत सी भ्रूण थैलियां यानी कि एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है कब पैदा होना, क्योंकि बीजांड के अंदर मान लो जाइए बीजांड है, अभी तक हम सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक पढ़ रहे थे, लेकिन अगर एक से अधिक एम्ब्रियो सैक पैदा हो जाएगा यानी कि एक से अधिक एम्ब्रियो सैक मतलब एक से अधिक अंडक का निर्माण, तो इस अधिक अंडक का जब निर्माण होगा तो वहां पर भी निषेचन ज्यादा होगा, तो ये भी एक कारण होता है बहुभ्रूणता का। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया है कि एम्ब्रियो सैक का पैदा होना मतलब बहुभ्रूणता कि क्या कारण होते हैं, इतने सारे जो भ्रूण बनते हैं उसके क्या कारण होते हैं, तो ये भी एक टॉपिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन सबको पता है भाई, जब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही पेरेंट कोशिका की जरूरत होती है, हमको पता है, जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है, देखिए ये क्या है, अमीबा, अमीबा कैसा है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर होता है और ये डिवाइड करके क्या करता है, दो अमीबा का निर्माण
कर देता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं। ये अमीबा यूनिसेलुलर होता है और ये दो ऐसा नहीं है कि अलैंगिक जनन सिर्फ एक कोशिकी में होता है, ये बहुकोशिकी जीवों में भी पाया जाता है। लेकिन अभी मैं अमीबा की एग्जांपल ले रही हूं जो कि एक कोशिकी होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जो जनन होते हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक ही जनक कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम यदि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ती है ना, इसमें एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें दो लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दो लिंग का क्या नाम है भाई, मादा और नर। ये आपको पेपर में ऐसा लिखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर अलैंगिक जनन से जो संतति प्राप्त होगी वो तो हूबहू अपने पेरेंट के समान है, है ना। जैसा अमीबा का शेप और साइज है, एग्जैक्ट उसके जो डॉटर सेल होते हैं यानी कि संतति जो कोशिकाएं होंगी, ये क्या है, संतति कोशिका है। और संतति जो कोशिका होती है वो हूबहू अपने पिताजी के समान अर्थात जनक कोशिका के समान होती है। तो दोनों के दोनों इसके समान होंगे, तो क्या इसमें विभिन्नताएं जो है देखने को मिलेगी क्या संतति कोशिका में, तो इसमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती। तो आप क्या लिखोगे, अलैंगिक जनन से प्राप्त जो संतति होती है उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। समझ आ रहा है, नहीं पाई जाती है। अब इसमें अगर हम बात करें, अब बात करो भाई कि क्या हमारे माता पिता के एग्जैक्ट हम उनके ही चेहरे जैसे दिखते हैं क्या, एग्जैक्ट हूबहू उनके जैसे हैं क्या, नहीं दिखते। क्यों, क्योंकि कुछ कैरेक्टर हमारे मम्मी के आए हैं, कुछ कैरेक्टर हमारे पापा के आए हैं, इसलिए हमारा जो विभिन्नता है वो कैसा है, मतलब हमारे में विभिन्नताएं दिखाई दे रही है। मतलब आप लिखोगे क्या, लैंगिक जनन से प्राप्त संतति में क्या होता है, विभिन्नता जो है दिखाई देती है, विभिन्नताएं दिखाई देती है। आई होप ये चीज आप लोग को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को लिखेंगे, एक ही लिंग की आवश्यकता पड़ती है, दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आप लिखोगे क्या कि एक ही जनक से जो संतति कोशिकाएं होती है उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, जबकि इसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। लेकिन ये प्रक्रियाएं जो होती है इसमें कौन सा विभाजन होगा, इसमें असूत्री और समसूत्री दोनों ही विभाजन होता है। ठीक है, इसमें जो विभाजन की जो प्रक्रिया होगी वह समसूत्री या असूत्री प्रक्रियाएं के द्वारा विभाजन हो जाता है। जबकि इसमें क्या लिखोगे, इसमें समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री दोनों ही विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई ये क्या है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। युग्मक जनन मतलब होता है, देखिए युग्मक जनन का क्या मतलब होता है, गैमेट जिसको हम कहते हैं, युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। अब ये युग्मक मतलब क्या, जब हम युग्मक जनन की बात करते हैं तो दो विपरीत लिंग अर्थात मादा और क्या होता है नर। ठीक है, मादा और नर में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक बनेगा और यहां से क्या बनेगा, इधर से नर युग्मक बन जाता है। ठीक है, यहां से क्या बनेगा, नर युग्मक बन जाता है। और मादा युग्मक और नर युग्मक का बनना इसी को हम कहते हैं क्या, युग्मक जनन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बना देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। जब युग्मक जो होता है, युग्मनज जो होता है वो कैसी है, अभी तक मादा युग्मक एन होता है, अर्धसूत्री विभाजन याद है कि नहीं याद है आप लोग बताओ मुझे, 46 क्रोमोसोम होते हैं
मादा में नर में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा, मादा युग्मक बनेगा तो कितना होगा 23 क्रोमोसोम, नर में कितना होगा 23 क्रोमोसोम, दोनों आपस में मिलकर के फिर से बना लिए 46 यानी कि युग्मनज, और ये है आपका 2n, करेक्ट है यहाँ तक। अब इसी को हम कहते हैं युग्मक जनक अर्थात युग्मक का बनना। अब भ्रूणोद्भव का मतलब होता है इस युग्मनज से भ्रूण जो बनता है, ठीक है, भ्रूण बनना, ठीक है, इस युग्मनज से भ्रूण बनने तक का जो सफर होता है या भ्रूण के बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये इसका है क्या मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो आप लिख लेना इसको कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया युग्मनज कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी, और युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया आपके भ्रूणोद्भव कहलाती है। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर था, जो 7 मैंने टॉपिक डाला हुआ था, किस तरीके से जो क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, ठीक है, किस तरीके से जो प्रश्न आते हैं और किस तरीके से आप उसको लिखोगे, कैसे समझोगे, आपका ये रिवीजन सेक्शन चल रहा है, बस इतना याद रखेंगे। और इस रिवीजन सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, आप अपनी तैयारी चेक कर रहे हो कि कितना आपका हुआ है और कौन सा टॉपिक छूट गया, उसको आप कमेंट करके लिखोगे। तो कमेंट लिखोगे तो मैं करूंगी ना आप लोगों की हेल्प करते जाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत देंगे, आगे की जो मैं क्लासेस होंगी 5 मार्क्स की उसको भी बताऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।